देश की राजनीति में बात ही छोटे लोगों की हो रही है, यानी बात ही छोटे दलों की हो रही है, तब बात एक ऐसे दल की जो विशेष रूप से मायावती को टक्कर दी जा सके उनके खिलाफ बनाई गई। लेकिन खास बात यह है कि जिस शख्स ने अपने छोटे दल को खड़ा तो कर लिया, लेकिन वह उसे उतना बड़ा नहीं कर सके, यहाँ तक कि वह जिंदगी में अपना खुद का चुनाव भी नहीं जीत सके। हम बात कर रहे हैं सोनेलाल पटेल की, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल। हालांकि उनकी बेटी के हाथ में जब कमान आई तब फिर राजनीति का पाता पलट सा गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में होता क्या है, उत्तर प्रदेश में होता यह है कि जिसके पास जातिगत गणित ठीक होता है वो सत्ता के करीब चला जाता है, सत्ता उसके पास आने लगती है। और जातिगत गणित में जिसने पिछड़ों को साध लिया, यानी जिसने ओबीसी वर्ग को साध लिया, वो सत्ता के धीरे धीरे करीब चला जाता है। यह कोशिश उत्तर प्रदेश के तमाम नेता करते रहे हैं। यह कोशिश राम नरेश यादव से शुरू हुई थी। राम नरेश यादव से शुरुआत होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने ये फार्मूला अपनाया। मायावती ने कुछ हद तक इस पर काम किया, इस फार्मूले पर अखिलेश यादव ने भी काम किया, बीजेपी भी बहुत हद तक इस पर काम करती है। अगर पिछड़ा वर्ग को साध लिया जाए तो राजनीति आसान हो जाएगी और बाकी चीज़ें सरल हो जाएंगी। तो इस पिछड़ा वर्ग की ताकत क्या थी और इसमें भी विशेष वर्ग यादव समुदाय को छोड़कर बाकी का जो पिछड़ा वर्ग है उसके हाथ में कितनी ताकत है, इस बात को सबसे पहले पहचाना डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने। और उनकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी ये भी बहुत अहम है। उनकी राजनीति की शुरुआत दरअसल बीएसपी के साथ हुई थी। काशीराम के हाथ में बीएसपी की पूरी कमान हुआ करती थी और उनके साथ साथ काम करती थी मायावती। यह साल था 1995। इसे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस साल 1995 में बीएसपी की सरकार बनी थी। काशीराम नेता थे, मायावती ने उस चुनाव में बहुत मेहनत की थी और फिर मायावती के हाथ में कमान चली गई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जो खुद भी महत्वाकांक्षी थे अपने समुदाय को लेकर, विशेष रूप से कुर्मियों को लेकर उन्होंने काम किया था, वो काशीराम के इस फैसले से नाराज थे। हालांकि 1994 से ही वो भाप रहे थे कि मायावती के हाथ में कमान जाने वाली है। उस वक्त भी उन्होंने एक बड़ी रैली की थी हजरत महल पार्क में, काफ़ी बड़ा मैदान है लखनऊ का। और फिर 1995 में मायावती के हाथ में बीएसपी की कमान दे दी गई तो सोनेलाल पटेल ने ये फैसला किया कि वो बीएसपी से अलग हो जाएंगे। बीएसपी से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम उन्होंने रखा अपना दल। ये वही अपना दल है जिस अपना दल ने पटेलों को और कुर्मियों को एक साथ किया। ये भी ताकत आप जानिए कि इस वर्ग विशेष की पूर्वांचल के क्षेत्र में, पूर्वांचल ये जानिए कि जौनपुर से लेकर प्रयागराज तक इस क्षेत्र में कई विधानसभा ऐसी हैं, ये समझिए कि 17 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें लगभग 15% आबादी कुर्मियों की है। और इस आबादी की ताकत डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पहचानी, इस पर काम करना शुरू किया। और काम करते करते सोनेलाल पटेल ने अपनी पार्टी खड़ी की, लेकिन वो खुद अपना चुनाव कभी नहीं जीत सके। डॉक्टर सोनेलाल पटेल खुद अपना चुनाव भले ही न जीत सके हों, लेकिन उन्होंने बाहुबलियों को अपनी पार्टी में टिकट दिया। 2002 के विधानसभा चुनाव में अपना दल का पहला विधायक जीता, वो विधायक थे अतीक अहमद, जिनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, अभी भी वो जेल में बंद हैं। अतीक अहमद अपना दल के विधायक चुने गए थे, साल था 2002, उन्होंने मुन्ना बजरंगी को टिकट दिया था। और ख़ास बात यह इस पार्टी की थी वो यही था जो पिछड़ों को एक साथ लाने की बात करते थे। और सोनेलाल पटेल की
दो बेटियां हैं, एक बेटी का नाम अनुप्रिया पटेल जो कि बहुत पढ़ी लिखी हैं और पहले एमटी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती भी रही हैं। साल 2009 में दो ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद अपना दल एक अलग ही तरह का दल बन गया। 2009 में पहली घटना यह थी, डॉक्टर सुनेलाल पटेल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इसी साल अनुप्रिया पटेल ने आशीष पटेल से शादी कर ली। आशीष पटेल जिन्होंने अपना दल के लिए इसके बाद बहुत काम किया और फिर परिवार में भी अलग अलग तरह की बातें उठी जिसके बाद अपना दल दो हिस्सों में बट गया। एक था अपना दल सोनेलाल जिसको लीड कर रही थी अनुप्रिया पटेल और दूसरा उनकी माताजी के नाम पर यानी कृष्णा पटेल पर। तो अपना दल दो हिस्सों में बट गया, एक था अपना दल एस और दूसरा था अपना दल के। दोनों के वैचारिक मतभेद कई बार खुलकर सामने आए हैं। अनुप्रिया पटेल के हाथ में अपना दल एस की कमान आई तो पर्दे के पीछे से काम उनके पति यानी आशीष पटेल कर रहे थे और संगठन को मजबूत करना और अनुप्रिया पटेल को लीडर की तरफ पेश करना और सारे संगठन के काम आशीष पटेल करते रहे। और अनुप्रिया पटेल ने रोहनिया सीट से चुनाव को लड़ा, चुनाव जीत भी लिया। लोकसभा का चुनाव जब 2014 का आया तो बीजेपी के साथ अपना दल का गठबंधन हुआ। इसके बारे में लोग कम ही कल्पना कर रहे थे लेकिन वो आशीष पटेल थे, अनुप्रिया पटेल के पति, जिनकी वजह से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ। और जब गठबंधन हुआ तब अनुप्रिया पटेल 2014 में सांसद बनकर आई और फिर केंद्र में मंत्री भी बनी। तो इस प्रकार अनुप्रिया पटेल ने अपना दल को ऊपर उठाया। इसके बाद आए साल 2017 के चुनाव में ये तय होनी थी असली मास लीडर कौन है, कुर्मियों का असली नेता कौन है। और ये तय हुआ कि अपना दल के लोग 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 2017 में 11 सीटों में से 9 सीटों पर अपना दल के जो कैंडिडेट थे वो जीत कर आए और संख्या बल में कांग्रेस के विधायकों से ज़्यादा भी थे। फिर आया साल 2019 का और 19 में एक बार फिर से अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल मैदान में उतरी और लोकसभा सीट से सांसद बनकर आई। और इस वक्त अपना दल की ताकत ये है कि कुर्मियों की मास लीडर के तौर पर अनुप्रिया पटेल को कोई इस वक्त खारिज नहीं कर सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की